तो इन दोनों को मैं लेके आया हूँ अभी के लिए ना धूप में, तो उनको मैंने कल नहलाया था, तो मैं सोच रहा था कि धूप में भी लेके आज लेके चले जाऊँ उनको, काफ़ी टाइम से ये धूप भी नहीं खाते ना, तो मैं इनको लेके आ गया हूँ। और असल में ना क्या कहते हैं, धूप आती नहीं है ना हमारे क्या कहते हैं टेरेस में, तो कुछ टाइम के लिए आती है फिर आती नहीं है इसके बाद ना, तो उससे बेहतर है कि इनको नीचे लेके आ जाऊँ, तो ये अभी नीचे बस खाना खा रहे हैं और बस धूप ले रहे हैं, बाकी इन बच्चों को भी लाऊँगा मैं। दोनों को मैंने अलग किया है और ये गुच्छी इधर है और ये चौको इधर है, इधर बस लेटी हुई है। यहाँ पर मटर खा रहे हैं, अभी जैन लेके गया था बाहर, इनको तबीयत थोड़ी सी सही नहीं गुच्छी की, थोड़ा सा उसको बाहर घुमाने लेके गया था, जरा इसको रोज थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो बहुत पेनफुल हैं और बहुत अफसोस होता है देखकर चीज़ों को, क्योंकि पूरा मुल्क बंद है, सिर्फ सिंध जो है उसके अंदर फ़ोन सर्विसेज वगैरह चल रही हैं, अदरवाइज़ तो पूरा जो सिंध और पंजाब है वो इफ़ेक्टिव है, और उस वजह से जो है प्रोटेस्ट जो है वो पुरामन होना चाहिए और एक स्पेस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वाकई इस मुल्क से सिंसियर है तो वो कभी भी अपनी आवाम को जो है मुश्किल में नहीं डालेगा। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, कल की बात है, कि एक बच्ची थी 4-5 साल की और उसकी डेथ हो गई फादर की गोद के अंदर ही, क्योंकि वो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला और बहुत शदीद बीमार थी, लेकिन क्योंकि रास्ते ब्लॉक थे तो एम्बुलेंस जो है वो नहीं जा सकी। तो ये लोग इनकलाब लाएंगे, आपको लगता है? जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारी आवाम को इंसानियत का सबक पढ़ने की ज़रूरत है, फिर ये डिसाइड करें कि क्या इनकलाब है और क्या नहीं। इनको आज़ादी के साथ ये सांस ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है उनसे पूछें कि वो किस तरह तड़प रहे हैं, तो जिनके पास जो चीज़ होती है ना लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपने ही लोगों को परेशान करते हैं, जो डेली वेजिस पे काम करने वाले लोग हैं उनके घरों में रोटी नहीं बन रही है सिर्फ एक एहतजाज की वजह से, लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या अगर वाकई में कोई सिंसियर हो तो क्या वो अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा पारा चनार में आपको पता है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, हम सब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं हम कैसे लोग बन गए हैं कि इतने बड़े इंसिडेंट को सोशल मीडिया ने भी इतना हाईलाइट नहीं किया और इसके ऊपर बात नहीं की, जहां पे लोगों को अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह मारा गया, और चाहे वो किसी भी मसलक से हों और जो भी हों, एक मुसलमान जो है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो इस वक्त एक प्रोटेस्ट को जो है लेके चल रहे हैं आगे, लेकिन मजा लेके उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की हो। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हसद करने वालों से, नफ़रत करने वालों से और ऐसे लोगों से जो इंतशार फैलाते हैं लोगों में, जो लोगों को खुश नहीं देख सकते और लोगों को मिलता जुलता नहीं देख सकते, ऐसे लोगों से दूर रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मिलने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग मुझे परेशान करें, डिस्टर्ब करें, नो मैटर वो कोई भी हो, मैं उनको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, मेरे लिए वो बेटर है, क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए और पीस ऑफ माइंड के साथ ही मैं ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, तो मैं उस सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए ये डिसीशन बेहतर है कि मैं सबसे दूर रहूँ और अपने काम से काम रखूँ, दैट्स बेटर। यहाँ ना कामों का अंबार लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अनाया चली गई अपने अब्बा के साथ क्योंकि उनके ग्लासेस जो है वो टूट गए थे कल, तो दोनों गए हैं ज़रा ग्लासेस अपने उनको अपने बनवाने हैं, तो इसलिए गए हैं। तो मैंने कहा मैं जब तक अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि अनाया की भी वही नोज़ वग़ैरह बंद है, क्योंकि मौसम ऐसा बदल रहा है कि मौसम बदलता है तो आपको पता है जब तक बारिश नहीं होती ना, तो जब तक ये मामला चलते रहते हैं। तो कल हमने नहला दिया था तो उसके बाद इनकी तबीयतें काफ़ी ख़राब थी, फिर हेयर ड्रायर से इनको ड्राई किया और अब काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि मैंने इनको कल कॉटन में रख दिया था, क्योंकि वैसे तो इनको सर्दी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं दोनों ही डाउन हैं बड़े वाले,
तो बड़े वालों को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जानवर भी जो है वो फील करता है अगर आप उसे टाइम नहीं देते या आप उसके साथ जो है वक्त नहीं गुजारते, तो क्योंकि वो आपके साथ दिल लगा लेता है ना। तो ये भी यहाँ पे मटर छील रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे बनाने मटर पुलाव और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं भी। और यहाँ पर ये कुछ जो है इन्वेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नूडल्स बना रहे हैं। नूडल्स बना रहे हैं आप? और मेरा पोपा टूट गया, मुझे नूडल्स नहीं मिले। क्या खत्म हो गए? क्या हो गया? नूडल्स खत्म हो गए। नूडल्स खत्म, क्या खाऊँ? क्या ये सब्जी खाओ जो तुमने, ये तो नूडल्स के लिए थी। इसके अंदर शामी कबाब डालो और ब्रेड डालो, सैंडविच बनाओ जबरदस्त। कौन खाएगा? तो ना खाओ, किसने कहा? ये क्या बात है, कुछ भी बना लो खा लो, फ्रूट रखा है वो खा लो। खा लिया मैंने पूरा डोंगा, पूरा डोंगा खा लिया फ्रूट का। वाह रे बाबा, मरे हुए लोगों की। और यहाँ पे ना असर की अजानें हो रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये टाइम ना बहुत अच्छा होता है फोटो शूट के लिए, तो बेस्ट टाइम होता है आपके, ये जो गोल्डन आवर्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरा जो है ना क्विल्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर देखें कितने अच्छे टैसल्स लगे हैं, बहुत ही नाइसली। और इसका पे भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि अभी इतनी कोई सर्दी नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने ये वाला क्विल्ट अपना निकाला। लेकिन इसके बड़ा फैंसी लुक है इसका, और पूरे महंगे इस तरह के टैसल्स लगे हैं। और ये कलर भी मेरा फेवरेट है। हमारे यहाँ पे डिपेंडर रेडी हो चुका है, तो वो मम्मा ने यहाँ पे बनाए हैं मटर चावल, साथ में रायता है। और ये क्या फ्राइज आए? फ्राइज कहाँ से आए? तो गाइस आज मैं वॉक करके आई हूँ। अच्छा, तुमने क्या आई फ्राइज? किसके साथ? बाबा। अच्छा, तो खाना हमारा यहाँ पे रात का रेडी हो चुका है, तो चिकन कढ़ाई साथ में मटर पुलाव, और यहाँ पे अनाया ने भी स्टार्ट कर दिया खाना, है ना? मेरी बुआ ही कुछ नहीं है, अभी मैंने खाना नहीं स्टार्ट किया। क्या क्यों, क्या हुआ? गर्दन में दर्द हो रहा है।